प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग, चुनाव तो होंगे दिल्ली में, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है? सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, दिल्ली सरकार का कौन सा चपरासी क्या काम करेगा, कौन सा चपरासी फाइल उठाएगा, कौन सा चपरासी चाय पिलाएगा, कौन सा चपरासी खाना, ये काम रहेगा प्रधानमंत्री जी को? इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का? हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है कानून पास करने की। हमारे पास पावर है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया है ये कानून पास करने की। अरे आपको पावर दी है जनता की सेवा करने की, जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए पावर नहीं दिया आपको। इतना घमंड मत कीजिए अमित शाह जी। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे 1935 में, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस कानून में अंग्रेजों ने ये लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी, काम करने की शक्तियां नहीं होंगी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग, चुनाव तो होंगे दिल्ली में, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है। दिल्ली के लोगों की वोट की अब कोई कीमत नहीं बची है। सरकार बनाई, उस सरकार की कोई शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक जनतंत्र है, इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं, जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक ही हफ्ते के, सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश आया एक हफ्ते के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेके आए और आज हमारे देश की संसद ने उस अध्यादेश को इस देश का कानून बना दिया कि अब दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने की कोई ताकत नहीं होगी। अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर्जी सरकार बनाएं लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एलजी साहब और मोदी जी, सीधे सीधे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को। तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है? सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दूंगा। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को। इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। पिछले 4 चुनाव सीधे सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई।
दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गया बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। दिल्ली के लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी और 3 सीट बीजेपी को दी। दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी और 8 सीट बीजेपी को दी। तो एक तरह से दिल्ली की जनता ने चिल्ला चिल्ला के बीजेपी को कहा है कि दिल्ली के अंदर दखलअंदाजी मत करना। प्रधानमंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा, 7 सीट उनको नेशनल चुनाव में 7 सीट दी और दिल्ली के चुनाव में 3 सीट दी। तो मोदी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखलअंदाजी मत करना, आप देश संभालो। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं जनता की बात नहीं मानता। इतना अहंकार हो गया, ना जनता को सुन की बात मानते, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानते। और आपको पता है इस कानून में क्या लिखा है, जो कानून आज पास किया है? इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के ऊपर से नीचे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, जितने दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों को के बारे में सारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी। उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, कौन अधिकारी, कौन चपरासी क्या काम करेगा, ये देश के प्रधानमंत्री बैठ के दिल्ली सरकार का कौन सा चपरासी क्या काम करेगा, कौन सा चपरासी फाइल उठाएगा, कौन सा चपरासी चाय पिलाएगा, कौन सा चपरासी खाना, ये काम रहेगा प्रधानमंत्री जी को? इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का कि आप दिल्ली के चपरासियों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाओगे बैठ के प्रधानमंत्री बनके? आप केंद्र चलाओ ना, आप दिल्ली के अंदर क्यों दखलअंदाजी कर रहे हो? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 7-8 साल में बिना किसी पावर के भी हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, इतने शानदार अस्पताल बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा रहे हैं, सड़कें बनाई, इतने सारे काम हम लोगों ने कर दिए, इनसे वो काम नहीं हो रहे। 30-30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकारें बेड़ा गर्क है गुजरात का, हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनी, हरियाणा में बेड़ा गर्क है इनका, मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, मणिपुर को जला दिया इन लोगों ने। इसलिए केजरीवाल के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, काम में कंपटीशन नहीं कर सकते, हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते। इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोको, किसी भी तरह से केजरीवाल को काम करने से रोको, बस ये इनका मकसद है। मैं सुन रहा था अमित शाह जी को, वहां पे संसद में भाषण दे रहे थे, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं ये लोग, झगड़ते बहुत हैं ये लोग, मैं स्कूल बनाता हूं, ये मेरे को स्कूल नहीं बना देते, फिर मैं जब इनसे कहता हूं मेरे को स्कूल बना दे तो कहते झगड़ता बहुत है केजरीवाल, मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए इन लोगों ने, फिर कहते हैं केजरीवाल झगड़ता बहुत है, मैं इनको कहता हूं मेरे को मोहल्ला क्लिनिक बनाने दो, मैं अस्पताल में दवाइयां फ्री करता हूं, कहते हैं दवाइयां फ्री क्यों करता है, मैं बिजली फ्री करता हूं, कहते हैं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है, फ्री की रेवड़ियां दे रहा है, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं। मैं जो भी करता हूं, चाहे झगड़ता हूं चाहे जो भी करता हूं, दिल्ली के लोगों को पसंद हूं, इसीलिए 3 बार 4-4 बार दिल्ली के लोगों ने मेरे को, जो भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूंगा, तभी 4-4 बार लोगों ने हमें वोट दिया। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या कहते हैं, मैंने सुना उनको संसद में, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है कानून पास करने की, हमारे पास पावर है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया है ये कानून पास करने की। अरे आपको पावर दी है जनता की सेवा करने की, जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए पावर नहीं दी आपको, इतना घमंड मत कीजिए अमित शाह जी। आपको पावर दी गई है ताकि आप विकास करें देश का, आपको पावर दी गई है ताकि आप देश के लोगों को शक्तिशाली बनाएं, आपको पावर इसलिए नहीं दी गई है कि आप देश के लोगों को लाचार बना दें और उनके वोट का अधिकार छीन लें। ये जो आप पावर 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 कर रहे हो, ये पावर आपको जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। मैंने देखा है अमित शाह जी पिछले चुनाव में आप घर घर जाके दिल्ली के अंदर पर्चे बांट रहे थे, एक एक घर में जाके आप पर्चे बांट रहे थे, दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया, अब आप दिल्ली के लोगों को तमाचा मारने आ गए। केजरीवाल से नफरत करते करते इस नफरत में इतने अंधे हो गए
कि आपने दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया। और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली, आपका भाषण उठा के देखिए, आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए, और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया, अपनी वादे से मुकर गए। अगर आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंत्री पे कौन यकीन करेगा? आपने खुद बोला था 2014 में कि मैं फुल स्टेटहुड बनाऊंगा, फिर कौन जनता आपके ऊपर यकीन करेगी? 2015 में आपने मेरी शक्तियां छीनी दिल्ली सरकार की, जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियां छीन ली नोटिफिकेशन जारी करके, फिर भी बिना शक्तियों के हमने काम किया और दिल्ली की जनता ने मेरे को 2020 में 62 सीट दे के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूं और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हो, दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है और दिल्ली के लोगों को आप जैसे नेता नहीं चाहिए। हम दिल्ली वाले दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है, दिल्ली वालों से नफरत करती है। इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे, लोकसभा में एक भी सीट नहीं देंगे। इस पूरे संघर्ष के अंदर बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे नेताओं ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया। उन सब नेताओं को और उन सब पार्टियों को मैं तहे दिल से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ।